हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन केमिकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सत्र बजट जो 2021 के बजट पर हम बात करने वाले हैं, जो 2021 के सत्र का बजट जारी किया गया है, इस पर आज हम कुछ पॉइंट देखते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं और कुछ हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम कुछ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे कि बजट क्या है, बजट का प्रावधान संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो बजट शब्द का कोई उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, जबकि संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसे दिया गया है। आर्टिकल 110 से 118 के बीच, अनुच्छेद 110 से 118 के बीच में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक के बारे में कहा गया है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि बजट क्या है, बजट जो प्रस्ताव पारित किया गया, बजट लाया गया 1 फरवरी 2021 को, जो बजट पारित किया गया है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीजें शुरुआत होती हैं, क्या क्या देखने को मिलता है इसमें, आइए हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं निर्मला सीतारमण, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं। उन्होंने 2021 का संपूर्ण बजट पास किया है और यह भारत का पहला डिजिटल बजट पास किया गया है। यह पहला भारत का डिजिटल बजट है ना। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहला अपना डिजिटल बजट पास किया, तो वो हिमाचल प्रदेश है ना। और भारत का 2021 में डिजिटल बजट पास किया गया है और बजट के सत्र की शुरुआत एक रविन्द्रनाथ टैगोर के कोटेशन को लेकर हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर के कोटेशन की लाइन थी कि विश्वास वह चिड़िया है जो तब गाती है जब अंधेरा हो जाता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइनें हैं और इसी से बजट सत्र की शुरुआत की गई है ना। आइए हम बात करते हैं बजट क्या है। बजट को जारी करने से पहले निर्मला सीतारमण जी ने कुछ धरोहर, सांस्कृतिक ऐतिहासिक प्राकृतिक धरोहर को बताते हुए बताया कि बजट का सत्र कैसा है ना। हम बात करेंगे तो भारत को स्वतंत्र हुए है ना, भारत के स्वतंत्र हुए 71 वर्ष पूरे हो गए हैं है ना, 71 वर्ष भारत की स्वतंत्रता को हो गया है। 1960 में गोवा का विलय भारत में हुआ था तो उसे पूरा हुए लगभग 60 वर्ष हो गए हैं है ना। हम बात करेंगे कारगिल का युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, उसे पूरे हुए 50 वर्ष हो गए हैं। जो 2021 है ये हरिद्वार संगम का वर्ष है, 2021 है ये चंद्रयान 3 का वर्ष है। तो इसमें कई सारी सांस्कृतिक, धार्मिक, पराक्रम और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की झलक मिलती है। इसी से शुरुआत की गई है बजट सत्र की। और हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने लॉकडाउन के टाइम में 800 मिलियन लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति कराई है, 80 मिलियन लोगों को आर्थिक समीक्षा, आर्थिक रूप से मतलब प्रत्यक्ष आर्थिक मदद प्रदान की गई है ना। तो ये सब परिप्रेक्ष्य को लेते हुए बजट पास किया गया है। आइए हम देखते हैं बजट के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, बजट किस पर बेस्ड है, क्या बजट की मूल क्या है बजट का, आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। आइए हम बात करेंगे तो बजट जो मुख्यतः 6 पिलर्स 6 स्तंभों में बनाए गए हैं। 6 स्तंभ हैं बजट के। जो पहला है, बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। जो पहला बजट है वो जो पहला पॉइंट है स्वास्थ्य एवं कल्याण, हेल्थ एवं वेलफेयर है ना। जो कोरोना काल कोविड-19 रहा, इसने हमें यह सिखाया कि सबसे पहली प्रेफरेंस हेल्थ होनी चाहिए, इसलिए इस बजट के सत्र में हेल्थ पर काफी फोकस किया गया है। 38 लाख करोड़ का जो बजट पास किया गया वो हेल्थ को लेकर पास किया गया है। और हेल्थ सेक्टर में भारत काफी समृद्ध होता जा रहा है। भारत के पास अपनी 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड, और 2 वैक्सीन भारत की अपनी पास है, एक तो कोविशील्ड है, एक तो कोवैक्सीन है ना। और भारत की वैक्सीन को 100 देशों से मांगा गया है, 100 देश इसके पाने के लिए तत्पर हैं। इसीलिए WTO की तरफ से भारत को वर्ल्ड ऑफ द फार्मेसी कहा गया है, इसे वर्ल्ड ऑफ द फार्मेसी की संज्ञा दी गई है और इसकी विश्व स्तर पर ख्याति बढ़ रही है ना। तो पहला जो है वो हेल्थ एंड वेलफेयर है, स्वास्थ्य एवं कल्याण है। सेकेंड पॉइंट क्या है, फिजिकल एंड फाइनेंस कैपिटल है या इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो सेकेंड पॉइंट है, भौतिक एवं वित्तीय
पूंजी है वह अवसंरचना है, सेकंड जो पॉइंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की गई है, भारत की इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये पारित किया गया, ये बजट पास किया गया है, जिससे लोगों के क्या होगा, लोगों को कार्य मिलेगा, जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और इस प्रकार से जो सेकंड है वो फिजिकल एंड फाइनेंस कैपिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर पर सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है कि भारत का समग्र विकास हो, इसके पॉइंट पर नेक्स्ट पॉइंट है ना। आइए बात करेंगे अगला जो पॉइंट है, मानव पूंजी को मजबूत बनाना, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना, ह्यूमंस में स्किल डेवलप करना, ह्यूमन को कैपिटल पूंजी के माध्यम से मानव पूंजी को समृद्ध बनाना, जो अगला है ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नवाचार और R&D, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन पर बात की गई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खोज और आविष्कारों पर बात की गई है, जैसे मानव संसाधन मजबूत होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इससे क्या होगा, देश समृद्ध होगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो इस पर चर्चा करी गई है। नेक्स्ट जो है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम, है ना, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, इन सब मुद्दों पर ये भारत जो आपका बजट है, बजट जो 2021 है, ये 6 मुद्दों पर कार्यरत करता है, ये 6 मुद्दे हैं, और ऐसे ही कंपटीशन में पूछा जाता है। आर्टिकल 110 से 118 के बीच में वार्षिक वित्तीय विवरण पर बात करी गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण के तहत बजट पास किया जाता है। पहले बजट जो होता था वो 28 फरवरी को पास किया जाता था, लेकिन तो क्या होती थी, बजट को कंप्लीट होते होते नया वित्तीय वर्ष लग जाता था, इसलिए अब जो डेट किया गया 1 फरवरी को बजट पास किया जाता है, और इस बजट और जो वित्तीय वर्ष है वो शुरुआत होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है ना। कुछ इसमें पॉइंट कुछ ऐसे भी पॉइंट रहे हैं जिस पर सोचना पड़ता है, क्योंकि पिछले वर्ष जो बजट था उसमें शिक्षा पर 96,000 करोड़ का बजट पास किया गया था, जब जो कि अब की बार मात्र 93,000 करोड़ का बजट पास किया गया है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि शिक्षा पर ज़्यादा बजट पास किया जाए, और इससे पहले कहा भी गया था कि GDP के 6% को हम शिक्षा के बजट में लागू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है, तो ये थोड़ी निगेटिव बात होती है गवर्नमेंट की कि भारत में वैसे शिक्षा की कमी है, तो लोग शिक्षित हों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इसलिए शिक्षा पर ज़्यादा बजट पास किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बातों को इसी पर विराम देता हूं। जो 6 मेन पॉइंट्स हैं इस पर हमने बात की, पहला जो है हेल्थ एंड वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं कल्याण, सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना, भौतिक एवं, है ना, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी के बारे में बात किया गया, थर्ड क्या है, समावेशी विकास है ना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, मानव संसाधन को मजबूत बनाना, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, और नेक्स्ट जो है वो नवाचार है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई है, और जो लास्ट आपका होता है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर बात की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस कंप्लीट करते हैं, और आपको एक वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड Please subscribe the channel and press the bell icon for the notification. Day notification.